नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। 2014 में नाबालिग से रेप करने के मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग से रेप करने के दोषी दुद्दी से भाजपा विधायक राम दुलार गोड़ को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विधायक से 10 लाख रुपए का जुर्माना लेकर पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। विधायक को सजा का ऐलान होते ही उनकी सदस्यता भी अब चली गई है। बता दें कि 12 दिसंबर को सोनभद्र की MP MLA कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से रेप करने के मामले में दोषी पाया था। बता दें कि कोर्ट ने विधायक पर दोष सिद्ध होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 9 साल पूर्व मयूरपुर थाने में रामदुलार गोड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वह प्रधानपति थे। अभियोजन के अनुसार 4 नवम्बर 2014 को जो है रामदुलार गोड़ ने एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी के परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो पीड़िता के भाई ने मयूरपुर कोतवाली में तहरीर दे दी थी। और बता दें कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, अदालत में प्रलावली प्रस्तुत कर दी। लंबी सुनवाई के बाद बीते शुक्रवार को अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता सत्य प्रकाश तिवारी व विकास शाक्या ने दूधी विधायक रामदुलार गोड़ के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। विधायक की तरफ से अधिवक्ता राम वृक्ष तिवारी ने दलीलें पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद फैसले की तिथि 12 दिसंबर को तय की थी। मंगलवार को लंच बाद अपर सत्र न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक रामदुलार गोड़ को दोषी करार दिया। दूधी से भाजपा विधायक रामदुलार गोड़ की सजा का ऐलान होने के बाद अब उनकी सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। कानून की जानकारी की माने तो कोर्ट अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा का सजा सुनाती है तो ऐसे में खुद ब खुद उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। जनप्रतिनिधि सदस्यता रद्द होने के बाद विधानसभा सचिवालय एक लेटर जारी करके उस सीट को रिक्त घोषित कर देता है। सीट रिक्त होने की जानकारी सचिवालय चुनाव आयोग को देगा। इसके बाद चुनाव आयोग उस सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। फिलहाल जिस तरीके से 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है बीजेपी विधायक जिन्होंने नाबालिग से जो है रेप को अंजाम दिया था, बता दें कि ऐसे कृत्य जो है अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं सराहनीय फैसला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज के साथ।